हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली फाइनल मैच होने वाला है आईपीएल का, जो कि ईएमआई विशेष सीएसके के बीच होने वाला है। ये मैच की सारी डीपली एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो और भी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्या नहीं वो मैं पहले बता देता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस मैच जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करेंगे, बिग अमाउंट जो है यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेंगे फैंटेसी साइट पे। तो आपका जितना पॉकेट मनी या आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ही इस मैच पे भी कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि जितना हो सके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फाइनल मैच है, इंजॉय की तरह लीजिए। जितना आपका पॉकेट मनी है या फिर जितना आप इन्वेस्ट करते हो करते आए हो उतना ही करना। ज़्यादा लालच में आके बड़ी लीग मत खेलना, जो कि अगर आप हार जाओ तो आप वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी अगर आप लीग खेलते हो तो आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना अगर अमाउंट आपसे आप अगर उतना अमाउंट आपके पास जो है वो अमाउंट अगर आप लूज़ कर देते हो तो आप पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन अगर कुछ अर्निंग हो जाता है तो बहुत ही अच्छी होती है। आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हो, लेकिन गैम्बल की तरह इसे बिल्कुल मत लेना। बहुत सारे यूट्यूबर आपको धोखा देंगे, कहेंगे ये वो कर लो वो कर लो, आप बिल्कुल अपने फांसे में मत फंसिएगा। आप अपनी एक जो है अमाउंट सेट कर लीजिए फाइनल के लिए। आप अगर रेगुलर जो है 1000 के साथ खेलते हो फाइनल है तो आप 1500 रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 500 करते हो हर दिन तो आप इस बार जो है 700 कर सकते हो। अगर आप 200 करते हो तो 300 कर सकते हो, लेकिन अपना जो है लिमिट जो है कभी क्रॉस मत करना, फाइनल में भी क्रॉस मत करना। अगर आपको कन्फर्म है फिर भी आप जो अगर आपको लगता है यार ये मैच इस मैच पे ये प्लेयर खेलेगा मुझे कंफर्म है और मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि एक एंड में एक गैम्बल ही है, ठीक है। अगर आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसका सिर्फ और सिर्फ अगर आप हेड टू हेड खेलते हो तो 50% ही चांस होता है कि आप विन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ मैं लास्ट मैच की विनिंग दिखा देता हूँ, जो कि वेस्ट इंडीज़ की मैच की थी। तो वेस्ट इंडीज़ विशेष यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ वर्सेज आयरलैंड के बीच में जो मैच हुई थी, मैंने सेफ प्ले यहाँ पे खेला हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने 80 पॉइंट से जो है यहाँ पे मेरे ओपोनेंट को जो है बहुत ही आराम से हरा दिया था, और ग्रैंड लीग में मेरा रैंक जो है 16000 आया था। तो बात कर लेते हैं इस फाइनल मैच के बारे में। इस मैच की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन टॉस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, तो उसी हिसाब से आप टीम बनाइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ईएमआई वर्सेस सीएसके के बारे में। सो फाइनल मैच जो है हैदराबाद में होने वाला है, और उस पिच की सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, अगर आप जो है आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप इन्वेस्ट अच्छा खासा विन करना चाहते हो तो आप हालाप्ले एक खेल सकते हो। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको जो है 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा। वो 50 रुपीज़ ही जो है आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारी के सारे लीग यहाँ पे आप देख सकते हो 50 रुपीज़ तक जो आप जो इन्वेस्ट करके जो यहाँ पे खेल सकते हो। हो सकता है आप जो यहाँ पे बड़ी अमाउंट यहाँ से जीत सकते हो। तो एक चीज़ पहला आप कह सकते हो, उसके लिए आपको रिफ़र कोड देना ज़रूरी है, जो कि आपको नीचे रिफ़र कोड भी मिल जाएगा हालाप्ले अगर आप नहीं खेलते। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है MPL। अगर आप MPL अभी तक नहीं खेलते तो MPL में भी जो है सुपर टीम करके एक फैंटेसी लीग, इसके बारे में मैंने पहले भी शायद एक वीडियो बनाया होगा, तो आप यहाँ पे से भी खेल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप मेरे रिफर लिंक से जो है साइन अप करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पे जो है कैश बोनस भी मिल जाएगा, और यहाँ पे रेगुलर आपको कॉइन भी मिलता है। जैसे आप आज मुझे मिला यहाँ पे, मैं आपके सामने जो है लाइव जो स्पिन कर रहा हूँ और मुझे 14 टोकन मिला है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जो यहाँ पे जो है सुपर टीम पे जाओगे और मुंबई वर्सेस चेन्नई का मैच पे यहाँ पे आप जो है टोकन देके भी यहाँ पे जो है लीग पे जो है ज्वाइन कर सकते हो। जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 14 कॉइन जीता है, तो यहाँ पे मैं लगभग 3 जो है यहाँ पे जो है टीम लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे विनिंग अमाउंट बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप पे जाके जो है डाउनलोड कर लीजिए और रिफ़र कोड देना मत भूलिए। अगर आप रिफ़र कोड नहीं दोगे तो आपको साइनअप बोनस 50 रुपीज़ नहीं मिलेगा, और लगभग जो है 50 कॉइन भी आपको टोकन भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ से और वहाँ से आप खेल सकते हो, यहाँ पे आपको कॉइन या फिर कैश बोनस से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको दो ऐसे एप्लीकेशन बता दिया जिसको आपको
लगभग लगभग फ्री में आप खेल सकते हो अगर आप ड्रीम इलेवन पे नहीं खेलना चाहते एमपीएल। अगर आप ड्रीम इलेवन पे भी खेलो सेम टीम आप जो है लगभग सेम पॉइंट सिस्टम जो एमपीएल का है, हालांकि हाला प्ले की पॉइंट सिस्टम थोड़ी अलग है, तो एक बार आप देख लेना उसी हिसाब से। तो बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एमआई वर्सेस सीएसके के बारे में। तो पिच रिपोर्ट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिच रिपोर्ट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिच मैच जो है हैदराबाद में हुआ था, और हैदराबाद में जो मैच लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था एसआरएच यानी हैदराबाद और पंजाब के बीच में। उस मैच में जो है हाई स्कोरिंग मैच था जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है रन किया था यहाँ पे डेविड वार्नर, और यहाँ पे बेस्टो ने बहुत ही अच्छा सॉरी बेस्टो तो चले गए थे, 212 रन किया था उन्होंने। तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, इससे पहले भी हैदराबाद की अगर हम लोग मैचेस की अगर रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रन बना हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको टीम बनाना है, और अगर उस हिसाब से अगर हम लोग जाएँ दोनों की बॉलिंग हिसाब से यहाँ पे भी देख सकते हो लगभग 160 के प्लस जो है यहाँ पे जो है स्कोर। सो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ मालूम चल गई है कि यहाँ पे जो है हाई स्कोरिंग जो है ग्राउंड होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है ज़्यादातर जो है बैट्समैन को लेना है। तो हम लोग जो है ऑलराउंडर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास तीन ऑलराउंडर लेने के जैसे कि है या नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पे हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे, ड्वेन ब्रावो और यहाँ पे रविंद्र जडेजा। तो यहाँ पे हम लोग के पास चार ऑलराउंडर है, तो चार ऑलराउंडर है तो हम लोगों को क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टॉस बहुत ही फैक्टर करता है, तो उसी हिसाब से अगर पहले अगर चेन्नई की टीम अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आप एम एस धोनी के साथ जा सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ पहले बैटिंग करते हैं। अगर चेन्नई की टीम अगर पहले बैटिंग नहीं करते हैं सेकेंड बैटिंग करते हैं तो आप ज़रूर डिकॉक के साथ ही जाइएगा। ज़्यादातर लोग का हालांकि डिकॉक को ही लेंगे कल के मैच पे, जैसे कि आप देख सकते हो 61+ लोगों ने जो है डिकॉक को लिया हुआ है। तो हम लोग सेफ साइड जाते हैं, तो पहले हम लोग विकेट कीपिंग में डिकॉक को चूज़ करते हैं। बैटिंग कर बात कर लेते हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बिग प्लेयर है और फाइनल में अच्छी खासी इनिंग खेल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ जाएंगे। सुरेश रैना के इस साल फॉर्म बहुत ही ख़राब है तो हम लोग उसके उसके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने सूर्य कुमार यादव को ले लिया है, तो लगभग हम लोगों ने मुंबई के तीन बैट्समैन को ले लिया है। और यहाँ पे लास्ट मैच पे जो फैक्ट डुप्लेसिस और वॉटसन ने जो है अच्छी इनिंग खेली थी, तो इन दोनों को हम लोग रखेंगे। और हमारा लगभग फोर जो है बैट्समैन हो गया है। एक बैट्समैन हम लोगों को ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे राइडू को ले सकते हो, लेकिन जैसे कि ईशान किशन को भी आप ले सकते हो, और शायद मुरली विजय को भी कल के मैच के लिए जो है चेन्नई जो है खिला ले। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, इनमें से किसी को ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तीन ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा जैसे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, क्योंकि इन ये लोग जो है बॉलिंग भी करेंगे। और अगर ड्वेन ब्रावो का आप तभी लेना अगर सीएसके पहले बैटिंग करे, सॉरी सीएसके अगर पहले बॉलिंग करे तो ही आप ड्वेन ब्रावो को लेना, क्योंकि दे तो ओवर में बॉलिंग करेंगे और एटलीस्ट आपको एक या दो विकेट लेके ज़रूर देंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर सीएसके पहले बैटिंग बॉलिंग करता है तो ही आप ड्वेन ब्रावो को लेना, अदरवाइज आप मत लेना, अदरवाइज आप जो है जडेजा को ले ले सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे टीम बना रहा हूँ। तो बॉलर्स पे आपके पास बहुत ही अच्छे बॉलर है, ताहिर है, जसप्रीत बुमराह है, तो मैं इन दोनों के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे अगर क्रेडिट मिलता है तो मैं यहाँ पे किसी बॉलर्स को ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मैंने बुमराह को नहीं लिया हो, क्योंकि बुमराह अगर अगर एम आई पहले बैटिंग करती है ठीक है तो बुमराह को आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो आप बुमराह के साथ जाओ या फिर ताहिर के साथ जाओ, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लगाना। सो ये कुछ चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ताहिर और यहाँ पे मैं बुमराह की जगह यहाँ पे मलिंगा को ले लूँगा, तो क्रेडिट मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे आप हरभजन सिंह या फिर दीपक चहर को ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, तो यहाँ पे मैंने दीपक चहर को लिया है, क्योंकि दीपक चहर जो है शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करते हैं और अंत में जो है एक ओवर करते हैं जो कि अच्छी खासी जो है गेंदबाजी कर सकते हैं, और इनमें जो एक ओवर करते हैं उसमें विकेट ले सकते हैं, इसलिए हमने इसे लिया हुआ है। तो हमारा टीम कुछ इस तरह का देख रहा है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो रिसेंट फॉर्म में अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे फैक्ट डुप्लेसिस और वॉटसन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन मैं रिसेंट फॉर्म के साथ नहीं जाऊँगा।
मैं क्लास के साथ जाऊंगा, यानी रोहित शर्मा एंड मैं हार्दिक पांड्या को प्रीट कर रहा हूँ मेरे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो अब मैं बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ और किस लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये टीम आपको जो है अच्छा खासा विन करा सकती है। पहली रीज़न, रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट पे कुछ खास नहीं किया है, तो फाइनल मैच एक बड़ी प्लेयर के लिए जो है बड़ी मैच हो सकती है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं, फील्डिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा कुणाल पांड्या को बहुत सारे लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म पे, इसलिए मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, मैं एक और टीम बनाऊंगा जिसमें मैं वॉटसन और डुप्लेसिस को नहीं रखूंगा, उसकी जगह मैं रायना और राइडू को रखूंगा। और विकेट कीपर पे मैं यहाँ पे MS धोनी को ले लूंगा, ऑलराउंडर पे मैं यहाँ पे ब्रावो को ले लूंगा, बॉलिंग में मैं यहाँ पे हरभजन सिंह और जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे मे बी राहुल चहर को मैं लूंगा। तो मेरा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिससे ये वाला टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वो वाला टीम अच्छा ज़रूर परफॉर्म करेगा। कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बना के आपको जो है हमेशा टीम जो है लगानी होती है, ताकि एक टीम अगर आप बहुत ज़्यादा हार जाते हो तो दूसरा टीम आपके बैकअप में हो, वो आपको जो है आपका लॉस जो है कवर करके दे सकती है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करोगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर दो। लगभग 12,000 सब्सक्राइबर हमारा होने वाला है। और वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आप भी होप करता हूँ फाइनल मैच में बहुत ही अच्छी खासी विन करोगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।